अहमदाबाद तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर, फेंगशुई एक्सपर्ट और लाइफ कोच भावेश एन पटनी। नमस्कार भावेश जी। गुरु जो दो राशियों में वक्र हो रहा है आपने बताया, तो इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका एक हमारे प्रेक्षकों को एक ओवरव्यू देंगे आप इन जनरल कि क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके? Transiting Jupiter will be retrograde in Capricorn and Sagittarius as per sidereal method between 14th of May 2020 to 13th of September 2020. इस पीरियड के दौरान निरियन ज्योतिष के हिसाब से गुरु वक्री रहने वाला है मकर और धनु राशि में। मकर गुरु की नीच की राशि है और धनु गुरु की खुद की राशि है। मकर राशि में जब गुरु वक्री होगा तो वो उच्च का है उस तरह से परिणाम देगा, नीच का ग्रह वक्री होता है तो उच्च के जैसा परिणाम देता है। सेजिटेरियस यानी कि धनु उसकी खुद की राशि है तो उसमें गुरु का वक्री भवन काफ़ी अहम साबित होगा। हम इस एपिसोड में राशियों के हिसाब से सन साइन मून साइन के हिसाब से बात नहीं करने वाले हैं, एकदम जनरल टोन में हम बात करेंगे कि गुरु के वक्री भवन के दौरान क्या क्या हो सकता है। तो गुरु क्या रूल करता है? गुरु विजडम रूल करता है, गाइडलाइंस रूल करता है और मॉरल्स रूल करता है। तो गुरु जब वक्री होगा तब हमारा विजडम हमें ठीक से सपोर्ट ना करे, ऐसा हो सकता है हम दूसरे लोगों को ठीक से गाइड ना कर पाएँ, ऐसा हो सकता है और हमारे मॉरल्स डाउन रहे, ऐसा हो सकता है। इसलिए अपने मॉरल्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा उस दौरान आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिव्यू करना चाहेंगे, पास्ट कर्मा को रिव्यू करना चाहेंगे और खुद की गलतियों से आप सीखना चाहेंगे। हो सकता है कि गुरु वक्री हो उस दौरान आप गलतियों से ना सीखें और गलतियां कंटिन्यू करें तो बड़ी गलतियां होने की संभावनाएं रहेगी, इसलिए केयरफुल रहिएगा। इस दौरान हो सकता है कि इल्लीगल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिस यानी कि इल्लिसिट प्रैक्टिसेस बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। गुरु वक्री होगा उस दौरान आप जो भी डिसीशंस लेंगे, जो भी एक्शंस करेंगे 14th मई से 13th सितंबर के दौरान, खासकर उसमें माल प्रैक्टिस करेंगे या इल्लीगल प्रैक्टिस करेंगे तो भविष्य में आपको उसका पछतावा होगा, इसलिए ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि वो खुद राइट बिजनेस में है या नहीं, राइट जॉब में है या नहीं, और इस दौरान आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल एसोसिएशंस को भी रिव्यू करना चाहेंगे और आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या मैं सही बिजनेस में हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं सही जॉब में हूँ। तो इस पीरियड के दौरान आप अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को टटोल कर ये देखना चाहें कि आपने सही निर्णय लिए थे या नहीं। आपको निर्णय सुधारने का मौका गुरु ज़रूर देगा, लेकिन अगर अपना एटीट्यूड नहीं बदलेंगे तो हो सकता है कि आप गलतियां कंटिन्यू करें। इट इज़ बेस्ट टाइम टू रियलाइज़ कि आपको पास्ट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी उन अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर आपने सही निर्णय लिए हैं या नहीं। पास्ट को रिवाइंड करके रीएडिट तो नहीं कर सकते हम, राइट? लेकिन आप डेफिनेटली अपना अप्रोच बदल सकते हैं फ्यूचर के प्रति और वर्तमान के प्रति। अगर आप अपना अप्रोच बदलने की क्षमता रखते हैं तो आप डेफिनेटली तरक्की कर पाएंगे और रॉन्ग को राइट करने के लिए ये सही समय है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब गुरु वक्री है, जो कि पीरियड मैंने आपको बताया 14th मई 2020 से लेकर 13th सितंबर 2020, उस दौरान आपको गलतियां दोहरानी नहीं है, सोच समझकर निर्णय लेने हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए निर्णय अगर आप केयरफुली नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आप बड़ी गलतियां कर बैठे। ठीक उसी तरह जो भी ज़िंदगी के अहम एस्पेक्ट्स है, करियर, बिजनेस, जॉब, बाय एंड लार्ज वोकेशन या तो ऑक्यूपेशन, देन फाइनेंस एंड फैमिली रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों पर वक्री गुरु का प्रभाव होगा।
आप अपने टारगेट्स पर अड़े रहेंगे, सेट रहेंगे और टारगेट्स को फॉलो करेंगे विदाउट माल प्रैक्टिसिंग, देन देर इज़ नो इश्यू एट ऑल। वक्री गुरु के दौरान लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना भी करना पड़े ऐसा हो सकता है, इसलिए खान पान में आपको केयरफुल रहना होगा।